जय श्री राम राय खानदान ब्लॉग आपण मानको स्वागत। आज मु बनिया पई जाऊ छी फुलकोबी पकोड़ी। चालंतु एबे वीडियो टिको स्टार्ट करिवा। देखंतु मु किछि ग्रीन मटर नै जाई छी आ फुलकोबी नै जाई छी, धनिया पत्र, बेसन, सोढ़ा, लंका गुंड आउ किछि लुण, एई सब सामग्री रे मु आज बनेबा पई जाऊ छी फुलकोबी पकोड़ी। देखंतु मु प्रथमे आग फुलकोबी को भल भाव काटि देइछि। आपण माने मार्केट रु फुलकोबी आइले ताको भल भाव दोई बा तीन थर धोई देबे, काहेकि ना फुलकोबी रे सार पकोथांदी तो सेटा आम देह को गले बहुत क्षति। तो आपण माने ताको धोई देबे दुई थर, नहले ताको टिके हळदी पानी रे 10 मिनिट पई बतुरै देबे। देखंतु मु आपणंकु काटिके देखाइ देइछि फुलकोबी। आपण माने ताको बेसी बड़ करिबेनि, छोट छोट कले से जल्दी सिझी जीवो। एई साइज रे मु काटिछि, आपण मानको जेमिते पसंद आपण माने सेमिते काटि परिबे। मु त काटिकि पानी रे पकाइ देइछि। मु सेम प्रोसेस रे आपण मानको आउ थरे भी काटिकि देखाइ देइछि। देखंथ आपण माने एबे मु ताको भल भाव रे धोइ देइछि। धोई दे कि गोटे प्लेट को एबे मु ताको छानी दे छी। एबे हमर फूलकोबी कटा छणा सरी गला। तापर एबे मु ग्रीन मटर को, ग्रीन मटर एबे मु बाहर कर दे छी, ताको एबे पानी रे दे दे छी। ग्रीन मटर को मु भल भाव रे धोई कि ताको प्लेट को गाड़ी दे छी। शीत दिने आमर फुलकोबी आसी थाए तो आपण माने निश्चित भाव शीत दिने निश्चित भाव फुलकोबी पकोड़ी करके खाइबे, कहीं ना शीत दिन टेस्ट आउ कोई दिन मिल न थाए। देखंतु मु एबे धनिया पत्र को भल भाव रे धोई देइछि, ताउ छोट छोट करके काटि देइछि। आपण माने संध्या बेले पकोड़ी बनेके खाइबे। एबे एबे मोर सबु जिनस काटि देइछि। मु गोटे बाउल रे एबे बेसन दे देइछि। एबे मु लुण गोटे चामच दे देइछि स्वाद अनुसार, लंका गुंड दे देइछि, सोडा दे देइछि। आउ आपण माने पानी कम बेसी करि परबे आपणक अनुसार। ताकु एबे मु भल भाव रे गोळेई देइछि। देखंतु मु एई टाइप रो ये करछि। आपण माने बेसी बहळिया करिवेनि किमा बेसी पतला करिवेनि। देखंतु एबे मु काटिकि रखिथिबा फुलकोबी पकेई देइछि। तापरे एबे ग्रीन मटर पकेई देइछि। तापरे धनिया पत्र पकेई देइछि। एई सबु जाक भल भाव रे गोळेई देइछि, जेमिते बेसन सहित ग्रीन मटर, धनिया पत्र, फुलकोबी मिसी जीवो। देखंतु एबे भल भाव रे मिसी जाइछि। गैस उपरे एबे कड़े बसे कि तेल दे देइछि। तेल एबे गरम होई आसिला बेलकु तापरे गोटे गोटे करिकि मु फुलकोबी को पकेई देइछि। आपण माने एमिते गोटी गोटी करिकि पकेबे, काहे ना हमर फुलकोबी पकुड़ी गोटी गोटी होई छिबो, आपण माने एका थरे के पकेइबेनि। आपण भी बेसी पकेइबेनि, 8-10टा पकेइबे। देखंतु एबे मु पकेइ साला परे ताको भलो भाव रे गोळेई देकि ऊपर तळ करि देइछि। आपण माने छाणिला बेले गैस को बेसी हाई फ्लेम रे छाणिबेनि, हाई फ्लेम सिम करके छाणी, कहीं ना से फुलकोबी ऊपर टा पोड़ी जाए था, भीतर सीझी न था। देखंतु भल भाव मु छाणी दे छी। एबे ताको गोटे प्लेट को बाहर कर दे छी। देखंतु केते सुंदर देखा जा छी मोर फुलकोबी पकोड़ा। एबे मु आपण मानको थरे छाणी के देखे दे छी। एबे मु सेम प्रोसेस रे आपण मानको आउ थरे पके के देखेबी। देखंतु मु आपण मानको गोटे गोटे करके आउ थरे पकेई के देखाई दे छी।
सेम प्रोसेस रे मु ताकू भल भाव रे ऊपर तल करि देइछि। आपण माने जेतेले बनिबे ताकू सांगे सांगे खाइबे, काहेकि ताकू बेसी समय रखि देले से थंडा होइ गले सेटा भल लागि न थाय। गरम गरम खाइले आपण मानकु मुसु मुसु कुड़कुड़िया लागि थाय। एबे आमर प्रस्तुत होइगला फुलकोबी पकड़ी। आपण मानकु आजर रेसिपी केमिते लागला निश्चित कमेंट करिबे। एई बले रेसिपी पाए पई रे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड और रिलेटिव को स निश्चित भाबे शेयर करिबे। आपण माने एबे संगे संगे ही बनेकी खांतु। पूरा टेस्टी लागछि। रहउछि जय श्री राम।